बीच आपको बता दें बड़ी खबर, कैदियों के बीच में झगड़े की खबर आ रही है। लुधियाना की ये खबर जहां पर सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, वहां पर पहुंच चुके पूरे सुरक्षा बल दल के साथ। आपको बता दें कैदियों के बीच में ही ये झड़प हुई, उसके बाद अब वहां पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है और उनको शांत कराने की कोशिश। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, लुधियाना जेल में झड़प की खबर आ रही है। पंजाब के लुधियाना में जेल में कैदियों के बीच झड़प हुई है और इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी पहुंचा है और कैदियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो कैदियों के बीच ये झड़प, जेल के भीतर कैदी आपस में भिड़ गए, इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को पहुंचना पड़ा, कैदियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये बड़ा झगड़ा हुआ कैदियों के बीच, वो भी जेल के भीतर। मोहित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और उस दौरान सुरक्षाकर्मी जो कि जेल के भीतर मौजूद थे वो क्या कर रहे थे? देखिए, ये कैदियों के दो वहां पर ग्रुप बने हुए हैं लुधियाना जेल के अंदर। इनमें पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था और आज अचानक एक बार फिर से बहसबाजी शुरू हुई और उसके बाद दोनों जो गुट थे वो आपस में भिड़ गए और बहुत जबरदस्त वहां पर मारपीट हुई है। और जो वहां पर जेल का जो स्टाफ था वो भी एक तरह से मूक दर्शक बना रहा, उन्होंने हिम्मत नहीं, वो लोग नहीं दिखा पाए कि अंदर जाकर उन कैदियों को छुड़वाया जा सके। एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से मंगवाई गई है, उसके बाद कैदियों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। जेल प्रशासन पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि उनको पता था कि पिछले कई दिनों से कैदियों के दो ग्रुप वहां पर बने हुए हैं, उनके बीच में विवाद चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको अलग अलग नहीं किया गया, इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई और आज उसका नतीजा देखने को मिला कि वहां पर जबरदस्त मारपीट हुई है। मोहित, लेकिन क्या अंदाजा लगाया जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी हिम्मत नहीं हुई इन कैदियों को हटाने के लिए, दो गुट बाकायदा बने हुए हैं, क्या ये माना जाए कि जेल के भीतर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी है वो इन कैदियों की निगरानी के लिए अक्षम है, इन कैदियों की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं? तब तो जेल प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, किसी भी जेल के अंदर जो जेल अथॉरिटीज होती हैं वो ये देखती हैं कि जो कैदी वहां पर है उनके बीच में आपस में कोई विवाद तो नहीं चल रहा, कहीं मारपीट तो नहीं हो सकती, और उनको पहले ही अलग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिला। पिछले कई दिनों से जो गुट थे, एंटी गुट बन गए थे वहां पर एक दूसरे के खिलाफ, उनको अलग नहीं किया गया और आज उसका नतीजा आपने देखा कि कितनी बुरी तरह से वहां पर मारपीट हुई। अगर ये जेल के अंदर से ये तस्वीरें बाहर ना आती तो शायद ये पूरी घटना कवर अप करने की कोशिश की जाती जेल अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया है कि वहां पर जेल प्रशासन के पास ना तो पुख्ता वहां पर अधिकारी हैं ना कर्मचारी हैं जो कि इस तरह का अगर कोई झड़प होती है तो उसमें इंटरवीन कर सके। इसी वजह से बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है। इन मामलों को लेकर जब भी पंजाब के जेल मंत्री से पूछा जाता है तो उन्होंने, उनका सीधे तौर पर कहना होता है कि वो केंद्र से लगातार फोर्स की मांग कर रहे हैं कि पंजाब की जेलों पर केंद्रीय जो फोर्सेज हैं उनको लगाया जाए। पंजाब पुलिस और पंजाब जेल अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनके पास फोर्स नहीं है। तो फिलहाल ये जो कुछ आज हुआ उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पंजाब जेल अथॉरिटीज के पास इतना भी स्टाफ नहीं है कि कैदी अगर इस तरह से आपस में भिड़ जाए तो उनको वो अलग अलग कर सके। यानी यहाँ का जेल प्रशासन कैदियों की निगरानी करने में पूरी तरह से नाकाम है। अगर यहाँ से कैदी निकल कर किसी वारदात को दोबारा से अंजाम देते हैं तब उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मोहित, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है इस मामले के बाद। जी बिल्कुल, देखिए ये जब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पंजाब के जेल मंत्री ने खुद ये कई बार माना है कि जो उनके पास जो फोर्स है पंजाब पुलिस की वो कम है, जेल प्रशासन के पास जो स्टाफ होना चाहिए वो कम है और इसी वजह से पंजाब की जेलों में अक्सर इस तरह की मारपीट के मामले, झड़प होने के मामले सामने आते रहते हैं। और आपको याद होगा कुछ साल पहले नाभा जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहां पर जेल ब्रेक करके कुछ कैदी भाग भी गए थे। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही जो बरगाड़ी गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी का मामला था उसका मुख्य आरोपी की हत्या भी नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल में कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं जेल अथॉरिटीज के काम को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि अगर आपसे नहीं संभल पा रहा तो क्यों नहीं आप केंद्रीय फोर्सेज के लिए आप जोरदार मांग केंद्र के सामने करते हैं और पंजाब पुलिस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी जेलों में की जाए। जेल मंत्री अगर ये मान रहे हैं मोहित, तब तो मसला और भी गंभीर हो जाता है। अब फिर राज्य सरकार की तरफ से क्या इस मामले को लेकर कभी कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई? देखिए, राज्य सरकार की ओर से एक तरह से खानापूर्ति करते हुए लिखा गया है केंद्र को कि उनको एक्स्ट्रा फोर्सेज चाहिए और एक्स्ट्रा फोर्स अगर वहां पर आएंगी तो उसके बाद ही जो पूरे हालात है पंजाब की जेलों के वो ठीक हो पाएंगे। क्योंकि पता होने के बावजूद कि कैदियों के दो गुटों में आपस में विवाद चल रहा है फिर भी उनको अलग नहीं किया जाता, ये छोटे छोटे ऐसे बेसिक सी बातें हैं जिनको जेल अथॉरिटीज फॉलो नहीं कर पा रही। और अभी अभी चंद दिनों पहले ही जो
एक व्यक्ति की हत्या की गई है, वो भी एक कैदी था, और इतना बड़ा मामला पंजाब का जो बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेहतरी हुई थी उस मामले का वो मुख्य आरोपी था, उसकी भी जेल के अंदर दो कैदियों ने हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कैदियों को अलग अलग रखने का एक प्रोटोकॉल है, वो भी पूरा नहीं हो रहा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और उस पर राज्य सरकार के हाथ पर हाथ धरे बैठना भी अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो लुधियाना जेल में कैदियों में